Welcome to Fruity Presents Comedy Circus ke Ajube semi-final. आमिर, शाहरुख, सलमान बड़े स्टार्स के बड़े नखरे होते हैं, इसीलिए हम नए चेहरों के साथ काम करना पसंद करते हैं। अक्सर कई डायरेक्टर्स ये बात कहते हैं, लेकिन बड़े स्टार्स और न्यू कमर्स में क्या फर्क होता है, ये दिखाने आ रहे हैं राजीव एज अ डायरेक्टर विद पूर्वी एंड सुनील एज वेरियस कैरेक्टर्स। देखा अर्चना जी, हमारी सेमीफिनाल की तैयारी देखी आपने? क्या मेन एक्टर मंत्रा ही नहीं है यार? अब जो है ये, चल बोलो। हेलो अर्चना जी, मेरा स्टैंड अप खत्म। नहीं मत कर, सुनील सेमीफिनाल है इसलिए डर गया। मेरे को देखो, डर दिख रहा है किधर भी, डरने का ना। सुनील देखा अर्चना जी, हर बार की तरह मुझे जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। मैं हूँ डायरेक्टर जिद्दी खान। आज जिस फिल्म का मैं ऑडिशन कर रहा हूँ उसके लिए मुझे न्यू कमर जोड़ी चाहिए। वैसे तो बाहर आर्टिस्टों की लाइन लगी पड़ी है, अब देखते हैं कौन कौन आता है। अरे भेजना उसको। अरे नाराजपाल बेटा, तुम यहाँ? हमने सुना है जहाँ पे ऑडिशन चल रहे हैं। हाँ हाँ, तो ले लो हमारा साइनिंग अमाउंट। हमें हीरो चाहिए, शक्ल देखी अपनी आईने में? तो एक बार फिल्म साइन कर ले, उसके बाद अपने आप हम आईना ले लेंगे। अरे भाई तुम्हें कोई एक्सपीरियंस है? तुम्हें 8 नाटक किए हैं हमने, रामलीला करते थे हम। वो तो एक ही नाटक था यार। 8 साल किए हैं इसलिए। भाई छोड़ा क्यों आपने? हमने छोड़ा नहीं, हमको निकाला गया था। हाँ, अशोक वाटिका में पेड़ बनते थे हम, सीताफल का। लेकिन सीताफल के पेड़ में केला, अमरूद, सेब, तरबूज सब लगा देते थे। और मालूम है, लात तो हमको तब पड़ी जब हमने एक दिन उसी पेड़ पे 2 दूध की थैली लगा दी। हमें फिल्म के लिए न्यू कमर चाहिए। अरे हमारे से ज्यादा न्यू कमर किसकी होगी, जे देखो कमर पे टैटू लगवाया है। तुम्हें कोई एक्सपीरियंस है, कोई काम किया फिल्मों में? अरे इसको कोई बोलो, कांदी वाली इश्क की नंबर 1 स्ट्रगलर हूँ मैं भाई। हेलो, हाँ जय श्री बोल। क्या पानी आ गया? अरे मेरे लिए एक बाल्टी भर देना। थैंक यार। इसमें जब 5-7 पानी आता है ना, पहली बाल्टी मेरे घर पे बढ़ती है यार। स्ट्रगलर है, स्ट्रगलर है। क्या ये मेरे को स्ट्रगलर बोला? ए, मार मार के तेरी बॉडी के सारे छेद बंद कर दूंगी, फिर कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा कि फाफड़ा खाए कहां से और ढोकला निकाले कहां से। याद है? कूल डाउन मैम, कूल डाउन है। यार तुम एक बात बताओ, तुम इतने एक्सपीरियंस एक्टर हो। हाँ। फिर तुम्हें इंडस्ट्री में काम नहीं मिलता? अरे काम हमको 50% चांस ही खत्म हो जाता है हमारा। क्यों? हम प्रोड्यूसर का दरवाजा खटखटाते हैं, वो दरवाजा खोलते हैं, उनको लगता है कोई है ही नहीं। हेलो। हाँ शादी में गौने का प्रोग्राम है। हाँ कर लेंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्त है, जहाँ हम ठहरेंगे ना उसके ऊपर छत होनी चाहिए। 2 बकत का खाना लगेगा। हाँ। और स्वीट डिश में ना गुड़ लगेगा हमको। चीनी का फक्का मत मरवा देना। मंजूर है? ओवर एक्टर भी चाहिए? हाँ पूर्वी जोशी। हाँ ठीक है, बात कर लेंगे। गौने का प्रोग्राम पता था कि एक ना एक दिन ब्रैक मुझे जरूर मिलेगा। या बेबे लेट्स गो। ए दिमाग खराब है, कैसे कैसे एक्टर बड़े बड़े इंडस्ट्री में है। हेलो हेलो वी 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 वी। मैडम मैं इंडिया में हूँ, आप चाइनीज में बात क्यों कर रहे हैं? आप एक फिल्म बना रहे हैं ना? मैं आना चाहती हूँ। नहीं नहीं मैडम, अभी तो बनेगी, रिलीज होगी तब आप देखने आइए। अरे पागल, मैं ऑडिशन के लिए आना चाहती हूँ, एकदम डम आदमी लगता है। आई एम वेरी सॉरी, तुम्हारे साथ फिल्म करके मैं अपना करियर खत्म नहीं करना चाहती। ओके बाय 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 बाय।
जे जरा पढ़ाओ हमको। लीजिए पापा जी, उम्र हो चुकी ना आपकी। उम्र नहीं हो चुकी, वो गाना 3 सेकंड पहले ही चला दिया। क्या हाल है भाई? बहुत बढ़िया जी, आशीर्वाद आपका। भाई मैंने सुना है यहाँ पर पिक्चर के ऑडिशन चल रहे हैं जी, इसका मतलब हम सिलेक्ट हो गए, हमको एज ए हीरो फिर फिल्म करनी पड़ेगी। चले ठीक है सर, मैं आपको सिलेक्ट कर लेता हूँ फिल्म के लिए। आपके लिए मैंने सीन सोचा है, एक लड़की आपसे प्यार करती है, आप लड़की से प्यार करते हो लेकिन एक दूसरे को कभी प्रपोज नहीं किया। आप पहल करते हैं, लड़की को प्रपोज करते हैं। अच्छा, और लड़की का नाम है रूपा। अच्छा, एक्शन। देखो भाई मैं हूँ मेथड एक्टर जी, मेरे को पहले बताओ रूपा है कहाँ पे। सर समझ लीजिए ये सामने है रूपा जी। भाई मुझे रूपा से प्यार करना है, कुश्ती नहीं लड़नी है। मैनेज कर लेंगे, रूपा नहीं ले आएंगे, लेकिन उस फीलिंग के साथ थोड़ा डायलॉग बोलिए। रूपा मैं तेरे नाम के कच्चे बनियान पहनता हूँ, उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, आया मुझसे शादी कर ले। बात समझे नहीं, प्यार के साथ प्यार, फीलिंग प्यार। रूपा मैं प्यार की फीलिंग के साथ उसे कहता हूँ कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तुझे शादी करना चाहता हूँ। हेलो, अच्छा अभी आता हूँ। ओहो, मुझे जाना होगा भाई। क्या हुआ सर? बिंदु ने अपने दांत में लिफ्ट बसा ली है। क्या? तो सर आज चले गए तो मेरी फिल्म का क्या होगा सर? और लोगों का क्या होगा जो बिल्डिंग नीचे खड़े हैं, उल्लू है। हम तो आए दिन ऑडिशन देते ही रहते हैं। अभी हाल ही में हमने दबंग फिल्म का ऑडिशन भी दिया था जिसमें हमने डायलॉग भी बोला था। क्या अकल के आने के लिए शक्ल के बिगड़ने का इंतजार क्यों कर रहे थे तुम? नहीं मान गए मैम, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है आप जी। आज आप अकेले? धर्म जी सर कुछ चाय कुछ पानी? नहीं नहीं, चाय तो मैं पीती नहीं। और पानी 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 से याद आया, यू ओनली ड्रिंक रेन प्योरिफाइड वाटर। पिक्चर के इंटरवल में पानी का प्रमोशन करना। ओके, अभी ऑडिशन देने आए हैं, कहानी सुनाइए। इंडियन NRIs की कहानी है। अच्छा। लड़का लड़की स्विट्जरलैंड में स्टेशन पे मिलते हैं। अच्छा। दोनों में प्यार होता है लेकिन लड़की का बाप जो कि पंजाबी है, लड़की की शादी किसी पंजाबी लड़के के साथ करना चाहता है। अच्छा। अब क्या कि हीरो लड़की के बाप का दिल जीतने के लिए पंजाब में आता है सर। अच्छा। लेटेस्ट स्टोरी, माइंड ब्लोइंग, सुपर डुपर हिट सर। गाने भी DDLJ के हैं या प्रीतम से? सर फिल्म में मैंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया है, स्विट्जरलैंड में शूट कर रहे हैं सर। स्विट्जरलैंड में? चलो भाई पैकिंग करो। हाँ, घर चलो। हाँ जी। और बॉबी और सनी को भी लेके चलो। बॉबी और सनी वहाँ पे क्या करेंगे? खूब जमेगा रंग, जब मिल बैठेंगे 3 यार, मैं, आप और जीतू जी। जीतू जी क्यों? बड़े दिनों से कह रहे थे शूटिंग दिखा दो। मैंने कहा दोस्त हैं, दिखा देते हैं शूटिंग उनको। मेरा फोन आ रहा है। फोन आते ही सब कुछ ठंडा कैसे हो गया? सर ये फोन नहीं, आप घर से AC का रिमोट लेके आ गए। तभी मैं कहूँ सब ठंडा रिस्पॉन्स क्यों आ रहा है? बहुत हो गया, मैं कहती हूँ चलिए। स्क्रिप्ट तो 1.5 मिनट पहले खत्म हो चुकी थी। तुम लोग घसीटे जा रहे हो, घसीटे जा रहे हो। अर्चना, इस परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगी? आई हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब व्हाट आई जस्ट सॉ। यू वर एब्सोल्युटली सुपर्ब सुनील। थैंक यू। फैंटास्टिक। थैंक यू। Who's written it? Vankush Sharma. Vankush. Vankush, great job. If anybody could have done a fabulous job like Mantra always does, it is you, Sunil. Thank you, ma'am. Thank and Purvi, Kandivali Sewa Jigna Jamnagar. Oh, I'm in love with this character. Thank you. Oh. Too good. Shruti to cracks up. I know. Hey, yeah, baby. Yeah, yeah, baby. From yeah, Kandivali East. An absolute laugh riot. Thank you so much. आप अरबाज जी से पूछे उनको ये परफॉर्मेंस कैसी लगी? कैसी लगी आपको? क्या बोलूं मैं आपको, सुनील ग्रोवर बोलूं या सुनील ग्रूवर बोल दूं? नाइस नेम। यू आर अ ग्रूवर टुडे। थैंक यू। पूर्वी, दिस जिग्ना कैरेक्टर, इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट कैरेक्टर के मैं बहुत प्यार करती हूं। हमें ये कैरेक्टर को फिर से देखना है। थैंक यू। आज सेमीफाइनल है तो भाई स्कोर्स तो बहुत मायने रखते हैं, लेकिन हमारे जजेस आज के स्कोर्स को सीक्रेट रखेंगे। सो जजेस प्लीज अपने स्कोर्स लिख लीजिए।
एक बार जिग्ना, सुनील और राजीव के लिए जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। एक फिल्म स्टार टीवी पर तेल बेचने के बाद अब खोल रहा है केमिस्ट की दुकान। प्लीज वेलकम कृष्णा एज फिल्म स्टार विद सुदेश एंड सिद्धार्थ एज वेरियस कैरेक्टर्स। कैसा बच्चा लोग कैसा है बड़ो? मेरा बच्चा अरबाज फैमिली, आई लव यू लव। सलमान बच्चा है क्योंकि इन दोनों का शादी हो गया, सलमान ही बच्चा है। अर्चना मेरा बाप कैसा है? ठीक हूँ। मेरा बच्चा है, सही में मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा, वो अपना बच्चा है, इसका नाम है गोची। गोची खेला फोन नहीं बच्चे के साथ। आप लोग सोच रहे बड़े लोग अपुन क्या कर रहे हैं? हाँ। ये अपुन चंदी सुधा तेल लगा रहे हैं, ऐसे थोड़ी खड़ी रहती है बुड्ढी। अपुन ने इधर मेडिकल स्टोर खोला, बिड़ू मेडिकल स्टोर। खैर अभी अपुन थोड़ा बांसुरी बजा ले क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री वाले ऐसा ना बोले, अब जग्गू की बांसुरी भी नहीं बजती। अरे मीनाक्षी छचुंदरी, इधर का रास्ता कैसे आज? मैं तुमको मुबारकबाद देने आई हूँ। अपने को काहे की? तुमको दबंग 2 में देखा, सलमान के साथ छा गई तुम। तीन बत्ती क्या बकवास कर रहे ले तू? एक मिनट फोन आ गया अपन को। चिची चिची कैसे तू बड़ू? अपना काम ले लिया तू तेल का बड़ू? फोन रख तू यार चिची, कम ऑन यार बड़ू यार। किससे बात कर रहे थे? चिची से। कैसे कलाकार है वो? अरे बहुत कमाल के, उनके जैसा तो आर्टिस्ट ही नहीं है। मैं तो बोलता हूँ वर्ल्ड में उनके टॉप में कोई नहीं बाबा, एक्टिंग ले लो डांस ले लो। ये क्या बकवास कर, ये तो लाइनें लिखी नहीं बाबा। आप घर भी तो जाना ना अपने को, समझा कर। तारीफ करनी पड़ती। खैर ये बता तू क्या करने को आई इधर? ये पहले मुझे ये बताओ कि बीड़ू बीड़ू बार बार बीड़ू बीड़ू क्या होता है? अरे बीड़ू का क्या ना, अपनो अर्चना दीदी से सीखे है। अपन एक दिन अर्चना के पास गया, अर्चना को बोला अपने को बीड़ी चाहिए। कहती बीड़ी नहीं बीड़ू है। मैं बोला ये बीड़ू क्या है? तो बाजू में ऐसा नारियल का पेड़ था, उसको उखाड़ के खोखला करके तंबाकू भर के ऐसा पीने लगी। अपने को बोलती है छोटा वाला बीड़ी होता है, बड़ा वाला बीड़ू होता है। अपन तब से बीड़ू बीड़ू। ये सब झूठ है जो तुम दवाइयां इधर दे रहे हो, इसका कोई फायदा नहीं। एक बच्चा 1.5 साल का बाहर आया है, उसको जवान करके दिखाओ तो मानू। करके दिखाएगा अपन, बुलाओ उसको बीड़ू। टॉमी आई लव यू जैकेट। टॉमी आ गया, मेरा टॉमी आ गया, आजा मेरा बच्चा, आए मेरा बच्चा, आजा मेरा बच्चा आया। ये कितना प्यारा बच्चा ना। प्यार कर दे उसको, प्यार करो अंकल को। आया बोला अंकल प्यार करेगा बेटा तेरे को। आया बोला बड़ो कैसे बड़ो अंगूठा चाहिए बच्चे को। हाय नहीं है बच्चे को भूख नहीं, लगी। बच्चे को नाराज नहीं करेगा, बच्चे को भूख लगी नहीं, नहीं, बच्चे को नाराज है तो बच्चा अपना बच्चा हो। हाय नहीं जूते पसंद आए बच्चे को, जूता कहेगा लगता है बड़ा होकर सुदेश लहरी बनेगा बिल्कुल। बहुत बढ़िया है। हाय नहीं है बच्चे, ना बच्चे अपने अपने जूते बहुत बहुत ताले मेरे को मारता है। ये सब अरबाज भाई आपकी वजह से हुआ है। कृष्णा को मार खाते देख के मेरे को बहुत मजा आता है। तुम भी मारो कृष्णा को। बड़ो बड़ो एक मिनट कैरेक्टर में आ गए बड़ो। एक्चुअली क्या है, बच्चे लोग का बहुत प्रॉब्लम होता है, इनको दवाई का साइड इफेक्ट भी होता है। दवाई दो इसको। नहीं दवाई नहीं देने का, अपन बच्चे पे टेस्ट किया था अर्चना जी दवाई बड़ो, और उसका बम पे अपन दवाई लगाया था ऐसा तेल लगाया, वो बच्चा बड़ा होकर देखो क्या बना। अगर एक्ट अच्छा है तो ये मैंने लिखा है, और अगर बुरा तो दोनों ने बुरा किया है। अरे तो कुछ भी नहीं, एक बच्चा था ऐसा कचरे में पड़ेला था ऐसा, वो कुत्ते को चाट रहा था बल्कि, बहुत ही गंदा एकदम बदसूरत, उसको अपुन तेल पिलाया, वो देखो बड़ा होकर क्या बना। हेलो मैं जो जिंदगी में बस कमाई है एक मेरी बेटी। सर ये बात पता क्या है, चक्कर बड़े होते हैं। हेलो अच्छा जी, मैं देखो मेरी ये बात नहीं है। चल हमारा फिल्म इंडस्ट्री में एक ही कुत्ता है साला, वो सुदेश लहरी। खैर अर्चना बहुत ही इंटेलिजेंट जाजा बिड़ू। अपन एक दिन अर्चना को पूछा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बर्फ किधर गिरती है, तो कहती है दारू के ग्लास में। आया मेजर की लाठी ना टूटेगी ना फूटेगी सिर्फ पड़ेगी। अरे अर्चू
शोला और शबनम से लेकर आज तक मैं तेरे पीछे पड़ा हूँ। राठौर साहब, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अरे क्या बकवास कर रहे हो, तो बहुत अच्छा जज है यार, बात काय को एक्सेप्टेबल नहीं है बेड़ू, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है यार? ये कौन है, थर्सडे को वेडनेसडे आ गया है, ये कौन है यार? मैं वो हूँ जो आज बस और ट्रेन में चढ़ने से डरता है। तो इसलिए आप ऑटो पे आए हो? आपको पता नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ राठौर साहब, इखलाक अहमद, मोहम्मद जहीर और खुर्शीद लाला को मैंने मारा था। क्या कह रहे हो आप? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मुझे एक दवा चाहिए जिससे मैं दोबारा अपनी अर्चू का जलवा देखना चाहता हूँ। आया मेजर की लाठी ना टूटेगी ना फूटेगी, अर्चू मेरी है, अर्चू को तुम छीन नहीं सकते बिना रिक्वेस्ट के। प्लीज। ओके ले जाओ। ए बड़ो, मुझे तुम लोग का बहुत बकवास हो गया, ये लो तेल, अपना शत्रु अंकल है ना उनको ये तेल जाके दे देना बेड़ू, ठीक है? वो क्या सुबह उठता है जैसा खामोश खामोश ऐसा है वो ये तेल पीने के बाद फिर ऐसा खामोश ऐसा होता है। अगर ऐसा होता ना तो राठौर साहब मैं बताता हूँ आपको, मैं ये तेल पीता हूँ, देना चाहते हैं आप अभी पी के दिखाता हूँ। अपन ट्राई टेस्टेड है, ट्राई टेस्टेड, ऐसा नहीं बेड़ू, अपन भी बैंड रखा है बेड़ू, देखा कुछ नहीं हुआ, अगर होना होता तो राठौर साहब अब तक मैं शत्रु बन चुका होता। राठौर साहब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बोलो राठौर साहब, ये सब बकवास है। अच्छा, ये एक्टिंग करता है बुड्ढा। तू एक्टिंग करता है, ला एक गोली और दे। मैं सब समझता हूँ। तू भी राजेश, तू राजेश खन्ना की गोली खा। ला आई एम मेजर की लाठी, कोई बना ऐसे कोई नहीं बनता, मैं जानता हूँ। आई एम मेजर की लाठी, ना टूटेगी ना फूटेगी, पड़ेगी ये झूठ है। अपने तेल का कमाल है बड़ो, ऐसा मेरे तेल का कमाल, तू भी खा मिथुन चक्रवर्ती की गोली खा। अरे ऐसे थोड़ी, अपना बच्चा है तू, अपना बच्चा है तू, अपना बच्चा है, एक मिनट, अपना बच्चा है। अरे बड़ो बड़े लोग, आप लोग सोच रहे होंगे अपन लोग इतना हंस क्यों रहे अभी, क्योंकि हम लोगों ने अरबाज की गोली खा ली है। आज अपन बहुत खुश है, इसलिए बड़ो आज अपन अकेला पार्टी करेगा, खुशी में गाना बजाओ। थैंक यू, आपने अरबाज का डांस पसंद किया। तो बेड़ू अर्चना क्या कहेंगे, आप भी अरबाज की तरह एंजॉय किया आपने ये एक्ट? बहुत खुश हुई आप? बहुत अच्छा था, बहुत डांस आपका। कृष्णा, फ्रॉम द टाइम दैट यू स्टेप्ड ऑन दिस स्टेज, फॉर मी यू हैड स्कोर्ड 100% right from that moment. When you were walking across and then you're walking towards Shruti, I swear I said to myself, I'm falling in love. Absolutely fell in love with your performance. It was not a perfect act, lekin perfectly successful because aap teeno ne hume itna entertain kiya aur itna hasaya. Thank you, Archie. Superb. Abbas, aapki shakal se lag raha hai ki aapne bahut enjoy kiya ye act. Enjoy to kiya. Krishna, let's start off with you. Throughout the act, जो आपने perform किया, that was good. Player of the day was Siddharth. वो बच्चे का जो performance था, और second, जो मैं पहली बार देख रहा हूँ, was when you are playing Nasir साहब. What I liked, which is an exaggerated performance, वो जो आपने मेरा किया. और वो जो dance जो किया ना आपने, जो tap किया कि अरबाज जब enjoy करता है, तो उसका जो maximum enjoyment है, उसका pair tap करने से. For that, I want to clap and say fantastic job. Very well done. Judges, आप अपने scores लिख दीजिए. एक बार कृष्णा, सुदेश और सिद्धार्थ के लिए जोरदार तालियां. इस बार auditions होंगे judges के. कॉमेडी सर्कस के अगले सीजन के लिए कौन कौन से जजेस चुने जाएंगे, चलिए देखते हैं. प्लीज वेलकम भारती, सिद्धार्थ एंड किकू एज अपकमिंग जजेस. Darling, love you, darling. वैसे अरबाज, मैं आपसे बड़ा नाराज हूँ. आपने क्या गाना बनाया, ऐसा गाना बनाने की क्या जरूरत थी? फोटो को सीने से यार, चिपका ले सही फेविकॉल से.
मैंने फोटो लिया और अपने सीने से चिपका लिया फेविकॉल से, देखना है क्या हुआ। ये रहा आपका फोटो। खैर आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं बनने वाला हूँ कॉमेडी सर्कस का नया जज, और मैं ही जज बनूंगा क्योंकि मेरी टक्कर का यहाँ पर कोई है भी नहीं। एक्सक्यूज मी, कौन है ये नंगा आदमी जो आते ही मुझे आंख भी मार रहा है? मैं योगा सिखाने वाला बाबा, योगा योगा। ओ बाबा यू टीच योगा, तो चलिए योगा ही सिखा दीजिए ना। कुछ नहीं, पहले पहले ऐसे बैठो। ओके बाबा फिर ऐसे पैर लो। ओके बाबा फिर एक हाथ इधर डालो। ओके बाबा फिर एक हाथ इधर डालो। फिर बाबा को छुड़ाओ, बाबा अटक गया है। अगर आप यहाँ पर जज बनने आए हैं तो लेट मी टेल यू, यू हैव नो चांसेस, ऑडिशन में आप फेल हो जाएंगे। बेटा ऑडिशन है तो मैं ही जज बनूंगा क्योंकि अर्चना से मैं बेटर हूँ। हाँ वो तो है बाबा, कुछ साल पहले इस अर्चना से ना मैं मिला था, वो कुछ कुछ होता है कि शूट पे, मैंने कहा हाय आर्ची हाउ आर यू, मेरा हाथ पकड़ के ऐसे हिलाया कि बाबा आज तक मेरा हाथ ऐसे है, देखिए। ये झूठ है, झूठ है, मुझे लगता है वो आ गई। भागो 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 बाबा, इधर चुप चुप चुप। माइंड ब्लोइंग, कुछ याद आया? याद नहीं आया, लेकिन एक कच्चा देखे मैं चार पांच चीजें भूल गया। आर्ची व्हाट इज दिस, सो व्हाट, यहाँ कौन से लॉन्ग शॉट लगते हैं, क्लोजअप भी लगता है। ओह माय गॉड, कॉमेडी सर्कस के जज का ऑडिशन विपुल, मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई थी, मेरे खिलाफ जज खड़ा किया जा रहा है। बोलो विपुल, बोलो विपुल, बोलो 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 बोलो, मेरे खिलाफ जज खड़ा करोगे? अरे मेरे कितने अच्छे कमेंट्स होते हैं, कोई मेरा कमेंट्स को कंपेयर नहीं कर सकता। बाबा सबसे अच्छा कमेंट देगा, तुमने अच्छा किया, तुम्हारा एक्ट बीच में अच्छा था लेकिन बीच में घुस गया था, लेकिन फिर भी तुमने अच्छा किया, मैं देता हूँ तुमको 10 नंबर। अभी वो बाबा के बच्चे, मैं इधर अच्छी स्क्रिप्ट पे राइटर को 1000-1000 रुपया देती हूँ। मैं भी 1000 रुपया दे सकता हूँ बाबा। बाबा के पैसे नहीं लेकिन बाबा 1000 रुपया देगा। देखो ये एक, ये हजार, ये हजार, ये हजार। बाबा 10 ज्यादा हो गया, ये तो 10,000 हो गया। ओके, ये देखो एक ले लिया मेरे बाबी। देखो बाबा का अगर कुछ मिला, बाबा योगा में मारेगा, योगा में। ओहो जरा मार के तो दिखाओ बाबा। बाबा 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 तुम मुझे निकालना चाहते हो कॉमेडी सर्कस से? आज मुझे अपनी नौकरी बचाने के लिए शस्त्र उठाना पड़ेगा। अर्चना पूरन सिंह का शस्त्र लेके आओ। अरे बड़े बड़े जजों का पत्ता मैंने कट कर दिया, सबसे पहला जज मेरा ये सतीश। अब मैं बताऊंगी तुम लोगों को कि मैंने इसका खात्मा कैसे किया। मेरा दूसरा जज रोहित। अरे रोहित को क्यों, रोहित ने तेरे को फिल्म में लिया, इन आंखों की नजाकत, की नजाकत को देखो। उसने फिल्म लिया तो क्या हुआ, मुझे एज ए हीरोइन तो नहीं लिया ना, कपड़े मुझे औरतों के दिए और काम उससे फिल्म में पहलवानों वाले करवाए। गाड़ी ठोकू? नहीं। मेरा सबसे आखिरी और सबसे बड़ा दुश्मन वो शेखर। हाँ। अर्चना पूरन सिंह इस कॉमेडी सर्कस की रानी है, किसी के बाप की हिम्मत नहीं कि उसको उसकी कुर्सी से हटा सके। आज उसके साथ किसी और ने कंधे से कंधा और डोले से डोला फुला के बैठने की कोशिश की, चाहे उसने दो दो सुपर डुपर हिट फिल्में दी हो, लेकिन जब काम की बात आएगी तो अर्चना पूरन सिंह किसी को नहीं बख्शेगी। ये तो फूलों की वर्षा थी, लेकिन अगर अगले सीजन में तुमने अर्चना के साथ कंधा से कंधा मिला के बैठने की कोशिश की तो ये फूलों की वर्षा लाल मिर्ची में बदल जाएगी। तुमने सारे जजेस को अपने रास्ते से हटाया ना? हाँ। अब हम जजेस
तुम्हें अपने रास्ते से हटाएंगे। अरे मैं अर्चना पूरन सिंह हूँ, कॉमेडी सर्कस की माँ। एक इतना सा था जब से इससे घर में आई, और आज 6 साल का हो गया है और तुम लोग अर्चना पूरन सिंह को उसके घर से निकालना चाहते हो। इनके रोने वाले एक्ट पे रोती, हंसने वाले एक्ट पे हंसती हूँ, खड़े होने वाले एक्ट पे खड़े होती हूँ। जब तक ये कॉमेडी सर्कस रहेगा, यहाँ पे अर्चना पूरन सिंह रहेगी। नहीं ए, कुछ मत देखने का, ए, नया जज को देखने का। अरे पुराना मत देखो, अभी बाबा दिखाएगा कर्तव्य। देखिए बाबा का फेर। ताली बजाओ बाबा के लिए। अब देखो इंडियन डीएम बॉन्ड, इंडियन जेम्स बॉन्ड देखो विथ म्यूजिक। डिंग डर डिंग डर डिंग डर डिंग डिंग डर डिंग डर डिंग डर डिंग डर। तुम लोग अभी भी नहीं गए यहाँ से? मुझे उठा ले भगवान, उठा ले मुझे। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी भगवान, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं कॉमेडी सर्कस की जज हूँ, मजाक भी नहीं समझते आप। बिरयानी बांटूंगी गरीबों में, लंगर लगाऊंगी। प्लीज मुझे नीचे उतार दीजिए, प्लीज प्लीज। मैंने आज तक अभी कुत्ते को बिस्कुट नहीं डाला, गरीबों को बिरयानी खिलाऊंगी। मैं तो एक नंबर की झूठी हूँ। ये यहाँ पर इतनी मेहनत करती है, हम इसे यहाँ का जज बने रहने देते हैं ना? हमारा टैलेंट हम दूसरी जगह दिखा सकते हैं, ये 10-20 रुपए के लिए इधर ही को निशानेबाजी करना पड़ेगा। तुम लोग करो, हम लोग जाते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, अर्चना के सिवा यहाँ पे कोई जज नहीं टिक सकता। ये मेरा सर्कस है और मैं यहाँ की अर्चू हूँ, अर्चू। थैंक यू। छोटा मुंह बड़ी बात है, लेकिन शायद मैं ये कहना चाहूंगी कि जब तक कॉमेडी सर्कस रहेगा तब तक अर्चना यहाँ रहेंगी। ये तो बात है ही, लेकिन जब तक अर्चना यहाँ रहेगी कॉमेडी सर्कस तब तक यहाँ चलता रहेगा। एंड वी आर ऑल रियली रियली प्रिविलेज्ड टू हैड द ऑनर ऑफ परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ यू। नो अदर एक्टर हैज हैड द काइंड ऑफ ट्रिब्यूट्स दैट आई हैव बीन गिवन। यू थ्री एंड ऑल द पीपल हु वर्क ऑन दिस लवली शो कॉल्ड कॉमेडी सर्कस, आई लव द वे दिस शो कम्स थ्रू। हमारी क्रिएटिव टीम के हार्ट से निकलता है, हमारे दिलों तक पहुँचता है, दर्शकों के दिलों तक पहुँचता है। एंड दैट्स वाई वेन यू से एनीथिंग अबाउट मी आई नेवर माइंड। एंड देन उसके बाद आप सेमीफाइनल्स में इतना बड़ा ट्रिब्यूट मुझे दे देते हैं, तो आई फील वेरी हम्बल्ड, वेरी स्मॉल एंड एट द सेम टाइम सो बिग। मेरा मतलब दिल इतना भर जाता है और इतना मुझे एहसास होता है कि लॉट ऑफ पीपल से दैट एन एक्टर गेट्स यू नो एट द एंड ऑफ योर लाइफ व्हाट डू यू गेट, आपके पास इतने अवार्ड्स एंड एवरीथिंग, बट रियली नॉट टू यूज अ क्लीशे, माई बिगेस्ट रिवॉर्ड एंड अवार्ड हैज़ बीन दिस कुर्सी ऑफ कॉमेडी सर्कस विच हैज़ बीन गिवन टू मी विथ सो मच लव। भारती आप नेशनल लेवल आर्चर है ना, आप नेशनल लेवल की आर्चर है। It is semi-finals, but I feel you three are supremely talented. Thank you. Thank well you. Done. Arvind? Ye act was one of those acts which was beginning se jo promise kiya tha, wo maintained kiya. Aur Bharti, Archie ko aapne archery mein badal diya. I think you deserve a 10 for this. Mm-hmm. Oh, thank you. So judges, please apne scores likh lijiye. Zordar taaliyan Bharti, Kiku aur Siddharth ke liye. जनता की अदालत में भगत शर्मा करेंगे बाबा पर मुकदमा। हंसी की अदालत में बाबा का केस लेकर आ रहे हैं कपिल एस बाबा, मुबीन एस भगत शर्मा एंड श्वेता एस हरसेल्फ। भैया तीर हमें भी चलाने आते हैं, लेकिन हम हिंसा करके नंबर लेने जाते हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है, हर जगह पता नहीं कोई क्या कर रहा है। सोहेल भाई हमारा इतना प्यार था, किसी को पता नहीं कहा है। कोई कहता दुबई घूमने गए, कोई कहता फिल्म बनाने गए। भैया तो हमें पता है मेंटल बना रहे हम सबको। भाई जब से अरवाज आए सहेल को कोई नाम नहीं ले रहा है। ये तो वही बात है भाई, काजू खाने को मिले सिंग दाने को पूछ नहीं रहा है। तो भाई हर जगह भ्रष्टाचारी, महिलाओं के साथ लूटपाट हो रही है। कल अर्चना जी केला खा रही थी, बंदर छीन के भाग गया। कहती मैं FIR करवाऊंगी, मैंने कहा जाने दो आपके मामा का लड़का है, रहने दो। हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। नमस्कार, बेबात की अदालत में आप सभी का स्वागत है।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन्हीं में से एक है योगी बाबा जो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। और मेरी हंसती हुई शक्ल देखकर तो आप मुझे पहचान ही गए होंगे, मैं हूँ भगत शर्मा। तो जज साहब मुलजिम यहाँ मौजूद है। बाबा को इंटरव्यू को बोल के जज में बुला लिया, ये क्या हुआ था भाई? बाबा ने कोई गुनाह नहीं किया, एक बार गुनाह किया था, किसी का पर्स मारा था, उसने मुक्का मार के मेरी एक आंख छोड़ दी, फिर भी उसके बाद बाबा ने कोई गुनाह नहीं किया। नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हैं, देखिए ये वो जज नहीं है, वो तो पढ़े लिखे होते हैं। इनसे पूछो कि 5 लाख और 5 लाख कितने होते हैं, तो ये कहते हैं 2 एपिसोड। तो बाबा जी अगर आपकी इजाजत हो तो सवालों का सिलसिला शुरू करें। आप मुझे हम बड़ी देर से देखते आ रहे हैं, आप बचपन से सवाल बड़े पूछते हैं। एक बात बताइए भगत जी, जी आपको कभी हंसते नहीं देखा, क्या हुआ टीआरपी नहीं आ रही कि ऐड नहीं मिल रही चैनल को? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं जरूर हंसता हूँ। चलिए मैं आपसे पहला सवाल पूछता हूँ, ये बताइए अनशन के बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं अनशन, मैं नहीं जानता अनशन क्या है, कौन है अनशन, हमें नहीं पता, बाबा अनशन नहीं करता है। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं, आप अपनी बात खुल के बोल सकते हैं। अच्छा भाई बड़ा बुरा हुआ हमारे साथ, बाबा अनशन में बैठा था, बाबा भूख से कमजोर हो गया, लोगों को लगा बाबा योग कर रहा है, बाबा भूखा मर रहा था, पसलियां बाहर निकल आई कमजोरी की वजह से, ऐसे ऐसे अंग बाहर आ गए जिसकी नॉलेज हमें भी नहीं थी, बड़ा बुरा हुआ हमारे साथ। वाकई बहुत बुरा हुआ बाबा जी, मतलब आप अनशन नहीं करेंगे? नहीं बिल्कुल अनशन करूंगा मैं। बाबा जब तक अनशन करता रहेगा जब तक हमारा विदेशों में पड़ा हुआ काला धन भारत वापस नहीं आ जाता। अच्छा अच्छा मतलब आप काला धन लाने के लिए नेताओं को धोखेबाज साबित कर देंगे? नहीं 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 ऐसी बात नहीं है भैया, काला धन लाने के लिए वहां पे एक विदेशी अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, इनके पास तो इतना पैसा है इनके ट्विटर अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़ा हुआ है। पर बाबा भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करके छोड़ेगा बता रहा हूँ। तो बाबा जी अगर आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते हैं तो फिर उस दिन आप वहाँ से भाग क्यों गए थे? नहीं भागे नहीं थे भाई, हमारी ट्रेन थी 5:10 की पुरानी दिल्ली से हरिद्वार, भागा नहीं थे मैं। लेकिन टीवी वालों पे ने दिखाया कि पुलिस वाले आपको डंडे मार रहे थे। टीवी का क्या है, टीवी वाले तो कुछ भी दिखाते, कल हिम्मत वाला दिखा रहे थे। बाबा जी हिम्मत वाला से याद आया, अन्ना जी ने भी आपके लिए मैसेज भेजा है, उन्होंने आपसे सवाल किया है। बाबा कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ, अरे तो फिर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए चुनाव में खड़े क्यों नहीं होते? ये क्या है, ये जवाब दे कि ताली बजाए मिमिक्री क्यों की? वैसे तो ये सवाल ही था लेकिन थोड़ा बहुत टैलेंट दिखाना भी जरूरी है। देखो हम लोग चुनाव में नहीं खड़े, इस उम्र में कौन हारे, और अच्छे आदमी को वैसे भी कोई वोट नहीं करता भैया। जी बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे बाबा योगा के फायदे बताइए। योगा के बड़े फायदे भैया, जानलेवा बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाता है, जैसे खांसी जुकाम जानलेवा बीमारियां। खांसी जुकाम जानलेवा बीमारियां होती हैं? कभी किसी के मुंह पे खांसा है? नहीं। खांस के देख मुक्का मार के तेरी जान ना ले ले तो कहना। बाबा जी भड़क रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ पे एक ब्रेक ले लेना चाहिए। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक हो गया जी, कैमरा बंद है जी, कहने खिला कहने खिला क्या? अरे रहने दे तेरे को खाता नहीं होता, खाता होता तो पहले से पता चल जाता। अरे एक बात है ना, ये क्या पूछ रहा था, पब्लिक पूछ रही पब्लिक तो कुछ नहीं पूछती, सारी बातें अपनी मर्जी से पूछ रहा तू है। अरे बाबा जी सही सही सवाल पूछना बता रहा हूँ मैं, नहीं तो बाबा बता देगा तेरे चैनल में जो खबरें आती है सब नकली है। पिछली बार क्या बताया था, एलियन आए गाय को उठा के ले गए, बता देगा बाबा कि आश्रम हमारे से लेके गए थे गाय, और एलियन तो खुद बना था। मुझे लगता है बाबा भड़क रहे हैं, इससे पहले कि बाबा और भड़क जाएं वापस आते हैं। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका बेबात की अदालत में। और आज हमारे साथ मौजूद है बाबा जी, जोरदार तालियां हो जाए बाबा जी के लिए। बाबा ब्रह्मचारी क्या कर रही है? बाबा तुमने कहा था ना कि ऐसा ऐसा करने से बाल उगाते हैं। ये सब झूठ बात है, मैं कई सालों से कर रहा हूँ, मेरे तो अभी तक नहीं आया। देखो भैया फसल वहाँ पे उगती है जहाँ जमीन उपजाऊ हो, या तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। तुम्हारी परेशानी ठीक हुई बिटिया? अरे मेरी परेशानी दूर होने की जगह बढ़ गई, ये देखिए ये देखिए क्या हो गया। मेरी वजह से मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही, मेरा जीना हराम हो गया है। भाई देखो इसमें हमारा कोई दोष नहीं, तुमने ये आसन किस प्रकार से किया था? ऐसे ऐसे। भाई ये तुम्हारी गलती है, हमने कहा था यहाँ क्यों करना, तुम मुंह के आगे करोगे मुंह के बाहर निकलेंगे। यही है लोगों को योगा गलत रिएक्शन कर जाता है, एक आदमी यहाँ पे करके कर उसकी बगलों में छे छे फीट लंबे बाल निकल आए, अब वो शादियों में कर्टन बनता है। मेरे को ये सारी बातें छोड़ो, अच्छी भली घर की लड़की को ये जटायु बनाते हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आई? जटायु शट अप,
देखो तुम मुझे ठीक करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नजर मार के देख तेरे से बुरा कोई लग भी नहीं रहा। एक बात बताऊं मालिके, देखो बढ़िया एक काम करो, पैर उतार के पैरों के अंगूठे घुसा ऐसे करके, ऐसे होएगा सब करने से होता है। ऐसे करने से दाढ़ी चली जाएगी? नहीं दाढ़ी एक बार जो चीज आ गई वो नहीं जाएगी बेटा, तेरी मूंछें निकलेगी अभी। अभी जब तू तो लड़का बन जाएगी फिर किसी लड़की ढूंढ के शादी कर लेना जैसे अर्चना ने की है। बकवास बंद करो और इसका सोल्यूशन बताओ। इसका एक ही सोल्यूशन है, बाबा बन जाओ। फिर मेरी शादी कैसे होगी? हां भाई शादी के बाबा सख्त खिलाफ है। मतलब आप शादी के खिलाफ हैं? बिल्कुल खिलाफ है, शादी करके भी तो वही सब कुछ कर रहे हैं। मतलब बच्चे खिलाओ, औरत के साथ झगड़ा करो, लड़ाई होगी तो उसकी चोटी खींचो, वो मेरी खींचेगी, मेरी तो है भी दो। अरे लेकिन बाबा जी आपने तो ये भी कहा था कि आप कोल्ड ड्रिंक के भी खिलाफ हैं। भाई उसके पीछे एक बड़ी लंबी मुक्की है, कहानी है। हाँ हम लोग ने एक बार गर्मी लग रही थी मेरे को, मेरे दुकानदार से कहिए भैया कोल्ड ड्रिंक पिला दो पैसे कल ले लेना, उसने मुक्का मारा तब से बाबा कोल्ड ड्रिंक के खिलाफ है। लेकिन जब से बाबा ने यह किया है गाय भैंसे बाबा को देखते दूध देने लगती है, कहते कहीं बाबा दूध के खिलाफ ना हो जाए। अरे ये दूध की बातें कर करके ना मेरे दिमाग की दही कर रहे हो, ये बताओ इसका उपाय क्या है? इसका कोई उपाय नहीं, मैंने तो पहले कहता हूँ मेरी तरह बाबा बन जाओ। तुम्हारी तरह बाबा मतलब? हाँ देखो मेरी इधर आओ बैठो, मैं भी पहले बाबा नहीं था। हाँ ऐसे ऐसे करने को किसी ने बोला हाँ तो मेरे चारों तरफ बाल निकल आए, मैं बाबा बन गया। वैसे मेरा नाम है सुषमा, सुषमा प्रजापति ग्वालियर से। क्या? हाँ हमारे महेंद्र भाई थे देहरादून वाले, उनके रिएक्शन कर गए उनकी दाढ़ी गायब हो गई, अभी औरत बन के घूम रहे। जजेस मुझे लगता है हमारे शो को यहीं खत्म करना चाहिए क्योंकि कहीं ये बाबा मेरी पोल बिना खोल दे कि मेरा नाम पूनम है। नमस्कार। महेंद्र या अर्चना क्या कहेंगे आप इस एक्ट के बारे में? मुबीन आपसे शुरू करती हूँ, ये कैरेक्टर पहले एक आध बार किया गया है लेकिन आपने बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। श्वेता हैट्स ऑफ, आप क्यों मुंह छुपा रही हैं? यू शुड शो इट वेरी वेरी प्राउडली बिकॉज यू डिड अ फाइन जॉब, वेरी नाइस परफॉर्मेंस। बाबा जी आपके दर्शन, वाह वाह बहुत दिनों बाद हुए हैं एक बार फिर, यू डिड अ वेरी गुड जॉब कपिल, वेरी नाइस। थैंक यू मैम। थैंक यू आर्ची। अरबाज आज इस एक्ट की खूबसूरती ये थी कि जो कैरेक्टर्स आप प्ले कर रहे थे वो आप दिख रहे थे, तो आज आप एक बाबा का रोल प्ले कर रहे हैं और व्हेनेवर यू डू समथिंग यू ऑलवेज ऐड समथिंग टू अ पर्टिकुलर कैरेक्टर और रोल, and we saw that today. And Mubin, today aapne thoda sa aapka jo character tha wo bada ek sanjeeda sa character tha, bada straight jacket character tha, lekin usko aapne bada bakhoobi nibhaya. Wo bahut acha act kiya, wo unka hansne ka andaaz jo bilkul sahi nahi hoga, nobody knows how he laughs. Kaise hanste? Not really added a punch. Judges please aap apne scores likh lijiye. एक बार कपिल मुबीन और श्वेता के लिए जोरदार तालियां। कॉमेडी सर्कस के अब तक के सबसे बड़े सीजन का ग्रैंड फिनाले सिर्फ एक कदम दूर है। यहां ऐसे ऐसे कारनामे होंगे जो आपने पहले किसी भी कॉमेडी शो पर नहीं देखे, तो एक हैरत अंगेज हंगामेदार हाहाकारी ग्रैंड फिनाले के लिए मिलते हैं यही ओनली ऑन फ्रूडी प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे।